हाय, सो ये एक वीडियो नहीं है बल्कि ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है ऑन फिजिक्स क्लास 12th, ऑल फॉर्मूलास, ऑल चैप्टर्स ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं तो भी कोई बात नहीं, फिजिक्स को कोई भी बदल नहीं सकता। सो चैनल को सब्सक्राइब करें नोटिफिकेशंस के लिए, नहीं मेरे लिए। हाय, सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, पूरा चैप्टर, इसकी थियोरी भी डिस्कस करेंगे बिकॉज इसमें थियोरी थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ध्यान से, अगर आपने एनालिसिस किया है या नहीं मुझे नहीं पता है, न्यूक्लियर फिजिक्स जो कि एक फिजिक्स की ब्रांच है, इस ब्रांच में से क्लास 11th एंड 12th में सिर्फ यही एक चैप्टर आता है। तो यही एक चैप्टर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कोई भी एग्ज़ाम के लिए बिकॉज वो पूरी ब्रांच में से एक चैप्टर है। एग्जाम्पल तौर पे अगर आप मैकेनिक्स देखें तो मैकेनिक्स 11th 12th मिला के 10 चैप्टर हो जाएंगे आराम से, राइट? सब मोशन सब उसके अंदर ही आ जाता है, फुल मैकेनिक्स के अंदर। बट न्यूक्लियर फिजिक्स में से सिर्फ एक ही चैप्टर आता है, तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। एंड यही रीज़न है थियोरी कवर कर रहा हूँ। लेट्स स्टार्ट। सो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, पहला मॉडल है। उसने जस्ट एक ग्लास ट्यूब लिया, कांच का एक ट्यूब लिया, इवैक्यूएटेड था यानी कि अंदर गैसेस नहीं थी, वैक्यूम था। एंड उसको वोल्टेज अप्लाई किया, वोल्टेज मींस पुश प्रोवाइड किया, तो जो इलेक्ट्रॉन्स थे सरफेस के वो बाहर आ गए बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। एंड वो रेज उसने देखी एंड वो देखा कि वो इलेक्ट्रॉन्स रेज हैं, तो उससे उसने बेसिकली बताया कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। वैसा ही दूसरा मॉडल है प्लम पुडिंग मॉडल। ये ओवरव्यू दे रहा हूँ, फर्स्ट टाइम अगर कोई आ रहा है ऐसा नहीं, वन शॉट है, ओके, अज्यूम्ड है, ये वन शॉट वीडियो है। प्लम पुडिंग मॉडल में क्या अजम्पशन है कि एक पूरा समझो वाटरमेलन है, वाटरमेलन खुद समझो पूरा पॉजिटिव है, ओके, और उसके साथ जो सीड्स हैं वो सीड्स उसके नेगेटिव हैं यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो प्लम पुडिंग मॉडल में ऐसा अज्यूम्ड है कि पॉजिटिव चार्ज तो है ही हर जगह, बट उसमें ही पुडिंग के जैसे हमारी, पुडिंग मतलब टॉपिंग के जैसे हमारे वहां पर हैं इलेक्ट्रॉन्स, ओके। एंड बिकॉज हमने ऐसा अज्यूम किया है कि वो खुद पूरा पॉजिटिव है, जैसे वाटरमेलन का जो रेड रेड रहता है, अज्यूम करो वो पॉजिटिव चार्ज है और सीड्स उसकी नेगेटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन, तो यही एक रीजन है कि ओनली नेगेटिव चार्ज कैन कम आउट बिकॉज वो पुडिंग की तरह है, जैसे वाटरमेलन से बीज बाहर आ सकती है, ओके, ऐसा अजम्पशन था। एंड जितनी पॉजिटिव चार्जेस हैं उतनी नेगेटिव, तो सब कुछ न्यूट्रल है। उसके आगे आ जाता है गीगर मार्स्टन एक्सपेरिमेंट। आई डोंट नो प्रोनाउंसिएशन नाम की सही थी या नहीं, बट ठीक है। एनीवेज, यहाँ से अल्फा पार्टिकल जानना हमें ज़रूरी है। तो अल्फा पार्टिकल आप बहुत बार आगे सुनेंगे, तो व्हाट इज अल्फा पार्टिकल? अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है हीलियम का न्यूक्लियाई। अगर आपको पता हो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद आता है हीलियम, हीलियम को हम अल्फा पार्टिकल भी बोल सकते हैं, या तो हीलियम एज अ होल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि नीचे जो होता है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो कि दो हैं बिकॉज हाइड्रोजन के पास एक है, हीलियम के पास दो है, और ऊपर होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स में न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन प्लस हमारा आ जाता है उसमें प्रोटॉन जो कि हो जाएंगे चार, ओके, सो वो है चार्ज ऑफ टू प्रोटॉन्स एंड ऊपर है फोर। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं ऊपर क्या है नीचे क्या है, तो एक चीज़ याद रखो, नीचे जो भी है वो ग्राउंड टू अर्थ है, ग्राउंड टू अर्थ है मतलब वो कम होगा, नीचे है काफ़ी। ऐसे वे में देखो, या हाइट के वे में देखो, हाइट नीचे कम होगी ऊपर ज़्यादा होगी, तो नीचे आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड ऊपर आता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के अंदर क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो ऑफकोर्स बात है जो भी नंबर होगा वो ऑलमोस्ट डबल ही होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे ये टू है तो ये फोर। तो हाइट नीचे कम तो नीचे वाला नंबर छोटा, छोटा मतलब सिर्फ प्रोटॉन, हाइट ज़्यादा मतलब ऊपर ज़्यादा नंबर तो ऊपर न्यूट्रॉन। बहुत, मैं खुद एमएससी हो गया फिर भी, मतलब लगभग एमएससी होने तक कन्फ्यूज था इसमें, ओके, याद नहीं आता था क्या नीचे क्या ऊपर। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, यहाँ पर एक सोर्स कंसिडर किया गया, सोर्स से हमने यहाँ से पार्टिकल्स निकाले, पार्टिकल सोर्स था ऑफकोर्स रेडियो एक्टिव सोर्स, एंड यहाँ से हमने पार्टिकल्स निकाले और यहाँ पर एक गोल्ड का फॉयल ले लिया, जैसे हमारे घर पे एल्यूमिनियम फॉयल होता है पतला सा, वैसे उसी तरीके से ये गोल्ड का फॉयल लिया, एंड हमने देखा कि पार्टिकल्स स्कैटर हो रहे थे। एंड उसका यही एनालिसिस है कि ओनली 0.14% ऑफ टोटल स्कैटर्ड थ्रू द एंगल्स लार्जर देन 0.1 degree, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स सीधे ही चले गए, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल सिर्फ 0.14% स्कैटर हुए एंगल 0.1 degree से ज़्यादा, मतलब लिटरली हल्का सा स्कैटर। प्रोटेक्टर में, प्रोटेक्टर भी हमारा 1 degree से स्टार्ट होता है, नहीं 10 degree से होता है, बट आप समझ गए कि बहुत कम एंगल से वो स्कैटर हुए, ओके।
एंड एक पार्टिकल 8000 में से 90 डिग्री से ज्यादा स्केटर हुआ और वेरी वेरी फ्यू हमारे 180 डिग्री से ज्यादा स्केटर हुए। तो यही आपको मेन तीन पॉइंट हैं जो एग्जाम में लिखनी है, बाकी तो आप सेटअप जैसे मैं ओरल बोल रहा हूँ वही आपको इंग्लिश में लिखते जाना है। तो बेसिकली इससे हमें क्या समझ में आ रहा है, ये लाइन क्या प्रूफ करना चाहती है, ये लाइन यही प्रूफ करना चाहती है कि जो गोल्ड के एटम्स हैं वो लगभग खाली हैं, एटम्स खाली हैं, खाली हैं इस वजह से तो सब सीधे ही चले गए, सिर्फ कुछ परसेंटेज हमारा स्केटर हुआ या रिफ्लेक्ट हुआ। तो ये थियरी का जो वो था मॉडल, वो बेसिकली हम रदरफोर्ड के मॉडल से हम सीखते हैं, मतलब ये एक्सपेरिमेंट से जो सीखा वो ये है कि जो मास है वो पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है एक छोटी सी एरिया में, उसी छोटी एरिया को हम कहते हैं न्यूक्लियस, एंड वहाँ पर कितना मास कॉन्सेंट्रेटेड है तो 99.9% मास वहीं पर है, ओके बहुत छोटी सी एरिया। और न्यूक्लियस की साइज कितनी है, तो न्यूक्लियस की साइज 1 लाख टाइम्स स्मॉलर है एटम से, ओके 1 लाख टाइम्स, आपने पढ़ा होगा 10^5 टाइम्स, 10^5 मतलब होता है 1 लाख, ओके सो बेसिकली यही है, न्यूक्लियस है बीच में, न्यूक्लियस के अंदर मास कॉन्सेंट्रेटेड है और पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके बाहर है हमारे इलेक्ट्रॉन्स। तो यही सारांश है, देखो शॉर्ट में यहाँ इस वजह से लिखा है क्योंकि बुक की थ्योरी पूरा वो भरा हुआ है किताब, तो डर लगता है, तो यहाँ पर मेन कीवर्ड्स लिखे हैं, कीवर्ड्स, ओके। इसमें डिफिकल्टी ये थी कि हमने कहा कि चार्ज एक्सेलरेट होता है, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन हमने कहा ऐसे रिवॉल्व हो रहा है बाहर की तरफ, राइट, तो इलेक्ट्रॉन एक एक्सेलरेट हो रहा है चार्ज कैसे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है मतलब वो परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में हमने देखा है अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो हम कहते हैं इट इज़ एन एक्सेलरेटेड मोशन। तो बेसिकली अगर कोई भी मोशन एक्सेलरेटेड है तो वो एमिट करेगा रेडिएशन, ये किसने कहा था, ये कहा था मैक्सवेल ने, ये किसका स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है मैक्सवेल का। तो बेसिकली ये बुक में नहीं गिवन है, लास्ट ईयर था, इस साल हटा दिया है, अगर ऐसा है रेडिएशंस एमिट करेगा, रेडिएशंस एमिट करेगा मतलब इसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, इसकी एनर्जी होती जाएगी कम, एनर्जी कम होती जाएगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी कम, फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी तो वेलोसिटी क्या होती जाएगी कम, तो बेसिकली रेडियस भी क्या होता जाएगा कम, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ऐसा होते होते अंदर अंदर आके न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना चाहिए, ओके बुक में इस साल हटा दिया है बट ये एक्चुअल में है डिफिकल्टीज में, बट ऐसा नहीं होता है, ओके सो ये फेलियर है इस एक्सपेरिमेंट का या इस एक्सप्लेनेशन का। बढ़ते हैं आगे, फिर आते हैं बोर्स के एटॉमिक मॉडल जो कि हमें कहते हैं, पहला स्टेटमेंट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है बट अकॉर्डिंग टू चैप्टर सर्कुलर मोशन कोई ना कोई सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए, तो यस FCP इज द सेंट्रिपिटल फोर्स, कौन प्रोवाइड कर रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सब चार्जेस हैं न्यूक्लियस के अंदर, पॉजिटिव चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्जेस हैं, तो आपस में वो लोग सेंट्रिपिटल फोर्स एडजस्ट करके बनवा लेते हैं, ओके क्योंकि आपको पता होगा सर्कुलर मोशन हो रहा है तो कोई सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, सर्कुलर मोशन में वो टेंशन प्रोवाइड करता था, कभी फ्रिक्शन प्रोवाइड करता था, कभी नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड करता था। सेकेंड है हमारी स्टेटमेंट, इन रेडियस ऑफ ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन टेक ओनली सर्टेन फिक्स्ड वैल्यूज, यानी कि जो रेडियस है वो कुछ भी नहीं हो सकता है रैंडम के ये हो गया चलो ये हो गया, नहीं वो सिर्फ सर्टेन वैल्यूज ही ले सकता है। ये रीजन आया हमारा क्वांटम फिजिक्स से, क्योंकि क्वांटम वही कहता था क्वांटम फिजिक्स की चीजें कंटिन्यूस नहीं है, मतलब ऐसे एज इफ कुछ कंटिन्यूस नहीं है, सब कुछ डिस्क्रीट है नेचर में, ओके डिस्क्रीट है, ऐसे लाइन्स हैं बीच में कुछ गैप्स हैं वहां पर कुछ भी नहीं है, तो बेसिकली वो कितना हो सकता है रेडियस, वो हो सकता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच अपॉन 2π, इंटीग्रल मल्टीपल मतलब 1h/2π, 2h/2π, nh/2π बेसिकली, ओके और ये ऑर्बिट्स में जब हमारा घूमता है ऑब्जेक्ट तब रेडिएशन नहीं निकलती है। तो पीछे जो डिफिकल्टी थी उसका हमको सॉल्यूशन भी यहाँ पर मिल गया थियरी के फॉर्म में कि उन ऑर्बिट्स में जब इलेक्ट्रॉन घूमता है कुछ भी रेडिएशन नहीं निकलती है। फाइनली है एन इलेक्ट्रॉन कैन मेक अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन ऑफ इट्स ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट हैविंग लोअर एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में फॉल करेगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, कितनी एनर्जी रिलीज करेगा समझो ये थी 10, ये है 6 एनर्जी लेवल पे, तो 4 एनर्जी रिलीज करेगा बाहर, ओके यही है थर्ड पोस्टुलेट। तो बेसिकली अगर यहाँ पर अब मैं देखें, यहाँ पर मैं आपको बताऊं चैप्टर का सारांश कहाँ है, तो चैप्टर का सारांश है इस स्लाइड में, पॉज एकदम पॉज ले रहा हूँ, चैप्टर का सारांश है इस स्लाइड में। कोई पूछेगा कैसे, चैप्टर में कौन सी मेन फार्मूला है, तो चैप्टर में मेन फार्मूला अगर हम देखें तो रेडियस की मेन फार्मूला है ये वाली, उसके बाद है वेलोसिटी की मेन फार्मूला, बरोबर वेलोसिटी की मेन फार्मूला है, उसके बाद है एनर्जी की मेन फार्मूला,
ये तीन सबसे ज्यादा मेन फॉर्मूलाज हैं चैप्टर में, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इसको याद रखते हैं, जो कि सही भी है गलत भी है। बट न्यूक्लियर फिजिक्स की अगर आप फॉर्मूला याद रख रहे हैं तो 60-70% चांसेस हैं आप मिस्टेक करेंगे। एग्जाम्पल तौर पे जिन्होंने ये बुक बनाई है महाराष्ट्र बोर्ड की, उन्होंने ही मिस्टेक की है। आप ध्यान से देखो, एनर्जी की सारी फॉर्मूलाज गलत हैं, सब जगह उन्होंने एप्सिलॉन नॉट लिखा है, जबकि आएगा क्या, आएगा एप्सिलॉन जीरो स्क्वायर। तो जो बुक बना रहे हैं उनसे भी मिस्टेक हो रही है, जो पेपर बनाते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स के वो लोग भी गलती करते हैं, तो आप तो स्टूडेंट हैं ठीक है। बट यही बात है, बुक और एग्जाम वालों की गलतियां माफ हो जाएंगे, आपकी गलती माफ नहीं होगी। तो बेसिकली मैं आपको यही कह रहा हूं, ये जो स्लाइड है इसको याद रखो, यहां पर जो लिखा है, एंड उसी समय डिराइव करना, जब पेपर में आए तब डिराइव करना उसी समय। तो स्लाइड में याद क्या करना है, तो याद करना है बोर्स का पोस्टुलेट, जो कि क्या कह रहा था, NH अपॉन 2π किसके बराबर है, एंगुलर मोमेंटम के। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, पी इंटू आर। पी क्या होता है, पी होता है mvr। सेकेंड चीज अगर आप बुक में देखोगे तो काफी वैसे वे में लिखा है, m को बोला है mev, को बोला है vn, r को बोला है rn, एंड ऐसे करते करते चीजों के आगे बहुत ही सब्सक्रिप्ट लगाते गए हैं। मत लगाओ, कोई जरूरत नहीं है ओके, कोई जरूरत नहीं है। कितना स्मूथ, कितना अच्छा लग रहा है मैंने जो लिखा है देख के। यही है, इधर ऐसे सब्सक्रिप्ट लगाता होता तो 12 की जगह 24 टर्म्स हो जाते ओके। सब्सक्रिप्ट मत लगाओ एग्जाम में, कंफ्यूज हो जाओगे। एक भी एन आपने बड़ा लिख दिया, एग्जाम में फास्ट लिखते हो आप, बहुत फास्ट लिखते हो, स्पीड ज्यादा होती है, तो एक भी एन बड़ा लिख दिया तो वो एन आप वो समझ लोगे कि कौन से ऑर्बिट में है ओके। मत लिखो, कोई जरूरत नहीं है ओके। सो लेट्स प्रोसीड अहेड। MVR is equals to the NH upon 2π. That's it. अभी आपको ये था फर्स्ट एक postulate बोर का, और सेकंड postulate क्या था अपना, मतलब नंबर के टर्म्स में नहीं, एक और postulate कहता था centripetal force कौन प्रोवाइड कर रहा है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन तो E है, न्यूक्लियस के अंदर कितने हैं, न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन्स, प्रोटॉन एक है क्या, नहीं प्रोटॉन तो काफी है, तो वो चार्ज के हिसाब से हम Z से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पर कौन सी फॉर्मूला यूज की है, यहाँ नहीं दिखेगा, 1/4π ε0 q1 q2 r का स्क्वायर ओके। ये न्यूक्लियस के लिए, ये है हमारा इलेक्ट्रॉन के लिए। सो ये दो फॉर्मूलाज अगर आपको याद है तो इसी में से हम V निकाल सकते हैं, इसी में से हम R निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल तौर पे अगर आपको V निकालना है, R को गायब कर दो, सब्सटीट्यूट कर दो, अगर आपको R निकालना है, V को सब्सटीट्यूट कर दो। तो बेसिकली यहाँ से मैं क्या करना चाहूँगा, यहाँ से मैं सिंपली दोनों को इक्वेट कर दूंगा ठीक है। इसमें v स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से लिख सकता हूँ, मैं v की वैल्यू ये है यहाँ पर लिख सकता हूँ v की वैल्यू, इसको नीचे भेज दूँ, यही v की वैल्यू मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो यहाँ अगर सब्सटीट्यूट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे टर्म्स का हो जाएगा स्क्वायर, देखो जो कि यहाँ पर हुआ है और ये हुआ है, तो सब कैंसिल करते जाओ, 4 कैंसिल 4 कैंसिल, π कैंसिल π कैंसिल, एंड आर स्क्वायर कैंसिल, आर कैंसिल, एंड इधर से देखें तो एम कैंसिल, एम डैश कैंसिल, इस तरीके से सब कैंसिल करके वापस रीअरेंज करेंगे इनको, तो देखो हमें ये मिल जाएगा, आर इज इक्वल टू दिस टर्म। एंड इसमें से अगर देखें, एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है 3.14, जो भी आगे डिजिट्स हैं इनफाइनाइट, एम कांस्टेंट है क्योंकि वो मास है, जेड 1 होता है हाइड्रोजन के लिए, ई 1.6 × 10⁻¹⁹ सब कांस्टेंट है। तो बेसिकली मुझे समझ में आ रहा है आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का स्क्वायर। तो अगर मैं हाइड्रोजन एटम कंसीडर करता हूँ पर्टिक्युलरली, तो उसके लिए जेड 1 आएगा एंड बाकी सब एन भी 1 आएगा ओके, फर्स्ट ऑर्बिट समझो कंसिडर करता हूँ। तो अगर मैं सारी वैल्यू सॉल्व करूँ तो मुझे ये आंसर आता है फर्स्ट ऑर्बिट का हाइड्रोजन एटम के, एंड क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस है तो उसको हम कहते हैं बोर्स रेडियस। क्या कहते हैं इसको, बोर्स रेडियस ओके। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसमें से मैं क्या करता हूं, h² epsilon πme² सबकी वैल्यू यहां पर फाइंड करके रख देता हूं, जिसको मैं बोलता हूं एस ए जीरो, एंड फाइनली फिर फॉर्मूला को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि आर नॉट इज इक्वल टू दी ए जीरो एन का स्क्वायर। ए जीरो की क्या वैल्यू है, ए जीरो की वैल्यू, बिकॉज अल्टीमेटली एन 1 डाला तभी ये आया ना ओके। सो अगर हाइड्रोजन एटम का सम आ रहा है तो अगर आप पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो आपकी मिस्टेक है, वो आपको कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करनी। अगर कोई दूसरा सम आ रहा है तो उसी टाइम डिराइव करना है आपको, वही बता रहा हूँ डिराइव करना है, ये स्लाइड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ओके। बढ़ते हैं आगे, आर की फॉर्मूला इस तरीके से हमारी आ गई, वापस देखो वही स्लाइड रिपीट की है, बट अभी आपको V की फाइंड करनी है, V की फाइंड करनी है तो आप R की जगह कुछ भी वैल्यू
डाल सकते हो, वो भी एक वे है। हाँ वही वे हम फॉलो करेंगे, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू दिस। ओके तो आर की ये वैल्यू बना दी, आर की ये वैल्यू बना दी, वी में डाल दीजिए एंड आपको यहाँ से वी का आंसर भी आ जाएगा। ओके वी समझ में आ रहा है हमें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एन से, जबकि आर था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के स्क्वायर। ओके सो लेट्स प्रोसीड अहेड। यहाँ पर है एक स्पेशल फॉर्मूला, मुझे नहीं लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट वो वही कह रही है कि जैसे ऑब्जेक्ट हमारा आगे बढ़ता है फॉयल के तरफ, तो काइनेटिक एनर्जी लूज होते जाती है, पोटेंशियल में कन्वर्ट होते जाती है, तो बेसिकली एनर्जी डिफरेंस इक्वल हो जाएगा लास्ट पॉइंट पे होके। सो पोटेंशियल क्या होता है, 1/4πε0Q1Q2r, इलेक्ट्रोस्टैटिक से याद करो। Q1 यहाँ पर क्या है, तो Q1 है यहाँ पर समझो जो मेरा गोल्ड फॉयल है, ठीक है, जो गोल्ड फॉयल है मेरा उसका जो भी चार्ज है। ओके सो वो है समझो जेड एटम्स हैं गोल्ड में, और जेड इन टू ई जैसे अभी किया था कुछ देर पहले, और ये 2e क्या है, ये 2e अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल के पास दो प्रोटॉन होते हैं अगर आपको याद हो, तो ये वो चार्ज है। ओके डिवाइड में R1 प्लस R2 मतलब ये रेडियस प्लस ये रेडियस, क्योंकि वो टोटल डिस्टेंस उनके बीच का हो जाएगा। ओके सो ये भी एक स्पेशल फॉर्मूला है। ओके सो बढ़ते हैं आगे, फाइनली आते हैं एनर्जी पे। तो अभी तक जो इम्पोर्टेंट हमने किया है वो किया है आर की फॉर्मूला, वी की फॉर्मूला। क्या ये हमें याद रखनी है? नहीं, मेरी बात मानो, मानो बात को, विश्वास करो, वो एक स्लाइड याद रखो, पेपर में डिराइव कर देना। पेपर में 15 मिनट पहले जाके बैठोगे, आपको बहुत टाइम मिलेगा, 15 मिनट में डिराइव कर देना। 15 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट लगेगा, 2 मिनट, बस पहले ही बिफोर पेपर ही डिराइव कर देना। ओके सो बढ़ते हैं आगे। सो बात करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो एनर्जी क्या होगी, तो है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। काइनेटिक होती है 1/2mv², पोटेंशियल -ze² 4πε0r। अभी अभी पीछे फॉर्मूला बताई, बेसिक यहीं से निकला है। ओके जेड डिपेंड करता है जो एटम हमने लिया है। सो वापस वही स्लाइड, अभी अभी जो पीछे देखा वहां पर देखो, ये सब लिखा हुआ है mv² / r = ze² और r भी वहीं से निकाला, तो जस्ट इसके जगह यही वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट यहाँ पर कर देंगे। ध्यान से अगर मैं देखूं तो यहाँ पर R है और यहाँ पर R², तो ये R और ये R हो जाएगा कैंसिल। सो इसके जगह क्या आ जाएगा, इसके जगह सिर्फ आ जाएगा mv² और यहाँ पर माइनस है। ओके सो 1/2mv² माइनस mv², 1/2 - 1 होता है -1/2। सो ये वही है। एंड फाइनली अगर यहाँ पर मैं v² की वैल्यू डालूं तो मुझे ये टर्म मिल जाएगा एंड सब चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी। क्या हमें याद करनी है? नहीं, याद मत करो। हो रही है याद, ठीक है, बाकी मैं प्रेफर नहीं करता हूँ क्योंकि मैंने नहीं की है याद। ओके क्योंकि एक ना एक टर्म भी मिस्टेक हुआ, समझो आपने सब याद किया, एक टर्म भी सिर्फ स्क्वायर करना भूल गए तो पूरा रॉन्ग हो जाएगा ना, वो स्टेप्स के मार्क्स थोड़ी मिलेंगे, मतलब मिलते हैं जब तक कुछ अच्छा है। समझो सम में आया ही एनर्जी और फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप हो गया फॉर्मूला लिखना, फॉर्मूला रॉन्ग है तो काहे के स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, उल्टा टाइम जाएगा इतना ये सब लॉग बुक से कैलकुलेशन करने में। याद करना ये कैलकुलेशन लॉग बुक से होते हैं, तो वही समझो बार बार जो बात कह रहा हूं। तो बढ़ते हैं आगे। हाँ सो इसी तरीके से अगर ये मेरी एनर्जी है तो m कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है। सो अगर मैं z की बात करूं, यहां पर हाइड्रोजन एटम की बात करूं, सो हाइड्रोजन एटम का z भी होता है 1, ओके, और n भी होता है 1, तो बेसिकली बाकी सब कांस्टेंट्स हैं जिनकी मुझे वैल्यू ऑलरेडी पता है। तो अगर मैं उनकी वैल्यू डालता हूं तो मुझे जो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है वो मिलती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन नजदीक लाना है तो मुझे कितनी एनर्जी चाहिए, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अगर इनको एक दूसरे से दूर लेके जाना है तो कितनी चाहिए, मुझे चाहिए +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेम लॉजिक आगे, यहाँ पर एनर्जी कैसे होती जा रही है, जैसे जैसे शेल बढ़ते जा रहा है एनर्जी कैसे होती जा रही है, डिक्रीज। यहाँ पर मैंने बताया E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n², तो ये जितना ज्यादा रैपिडली ग्रो होगा ये उतना रैपिडली कम हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर का टर्म है। तो ये आप देख सकते हैं, पहली एनर्जी लेवल 13.6, सेकेंड 3.4, फिर देखो डिस्टेंस और कम, फिर और कम, फिर नजदीक नजदीक होते जाती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते। और आयोनाइजेशन मतलब एनर्जी वही के फ्री करने में कितनी लगेगी। ओके आयोनाइज फ्री करने में कितनी एनर्जी हमें चाहिए। अभी यहाँ पर आपके बुक में ध्यान से देखो एक टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा बहुत अच्छे से नहीं दिया है, पिछले साल अच्छे से था, इस साल अच्छे से नहीं दिया है, सो इस वजह से ये वाला मेथड आप फॉलो करें। सो थर्ड पोस्टुलेट में हमने क्या देखा, अगर एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन हमारा जंप मारता है, कुछ एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन की एनर्जी ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में आइंस्टाइन ने बताई थी, इज इक्वल्स टू डी एच म्यू है,
बट यहाँ पर ई कौन सा है, ई है इसका और इसका डिफरेंस, तो वही है ई एम माइनस ई एन टाइम्स एच म्यू। ये हमने पहले ही फाइंड किया है एनर्जी, अभी ये भी पहले ही फाइंड किया है, जस्ट एन के जगह यहाँ एम आएगा, सब चीजें यहाँ से कॉमन हो जाएंगी क्योंकि सब कुछ सेम ही है, और यहाँ पर बचेगा एन स्क्वायर एम स्क्वायर। एंड ये जो भी चीजें कॉमन हो गई एक्सेप्ट जेड, याद रखो एक्सेप्ट जेड, लोग जेड भी मिक्स कर देते हैं क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जेड वन होता है, बट आइडियली वैसा नहीं है, इसको हम कहते हैं रिडबर्ग्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। एंड इसकी भी खुद की वैल्यू है जो कि ये है 1.097 × 10⁻⁷। यहाँ पर मैंने यूनिट्स पता नहीं क्यों नहीं लिखे हैं, बट हाल फिलहाल मेरा मूड नहीं है कि यहाँ पर सब कुछ डिराइव करूँ, बिकॉज रिगरस है टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मूड नहीं हो रहा है कि अभी इधर सब डिराइव करूँ। ओके, क्योंकि मीटर ये हो जाएगा मास के जी में, सी हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 8.0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर, एच हो जाएगा जूल सेकेंड, तो आई एम नॉट इन मूड, ठीक है, मूड नहीं आज सर का। ओके, सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर एटॉमिक स्पेक्ट्रा जब जेड हमारा वन है। तो अगर हाइड्रोजन एटम की बात है तो जेड आएगा ही नहीं, जो कि आप बुक्स में देखते हो जेड नहीं है, बट यूजुअली हमने जेड रिडबर्ग्स कांस्टेंट में नहीं लिया था, ये चीज को याद रखना। ओके, सो इसके बाद एक सीरीज आ जाती है एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, जो प्योर थियरी टॉपिक है, यहाँ पर जस्ट वन शॉट में लाने के लायक भी नहीं है ये टॉपिक, बट बता दूं सीरीज आ जाती है एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, जिसमें हम एनर्जी लेवल्स कंसीडर करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली जिस जिस साइंटिस्ट ने जहाँ जहाँ तक रिसर्च की थी उस हिसाब से सीरीज का नाम है। एग्जाम्पल तौर पर ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है ये टॉपिक समझाना, बट मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू समझा रहा हूँ कि कैसे याद करना है, नथिंग एल्स। ओके, सो पहली सीरीज ऑर्बिट वन के लिए लाइमन ने दी थी, सेकेंड दी थी बालबर ने, सो एल बी। ओके, उसके बाद थर्ड सीरीज दी थी पास्चन ने, तो पास्चन, एंड फोर्थ सीरीज दी थी ब्रैकेट ने, फिफ्थ सीरीज दी थी पीफन ने। अब ये सब यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज ये जो फॉर्मूला में एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू ये अकॉर्डिंगली आएगी। अगर आपको न्यूमेरिकल में गिवन है लाइमन तो एन इज इक्वल्स टू डी वन, बालमर एन इज इक्वल्स टू डी टू, पास्टन एन इज थ्री, ब्रैकेट फोर, पीफन फाइव। ओके, ये इन्फिनिटी से लेके ऑर्बिट तक थियरी बहुत अलग है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे इतना शॉर्ट बताना, बट नहीं हो सकता है क्योंकि इस बार बुक में ही नहीं है, इस वजह से नहीं बता रहा हूँ, बुक में ही नहीं है इस वजह से स्किप कर रहा हूँ, बट हाँ दिस इज बेसिक नीडेड। ओके, बुक से तो अच्छा बनाया है मैंने, इतना मैं कह सकता हूँ। फाइनली आते हैं डी ब्रोगली एक्सप्लेनेशन। डी ब्रोगली ने क्या कहा कि हर पार्टिकल एक खुद में ही वेव है। ओके, तो जिस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं कि अंदर है अंदर है, तो इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करो एज अ स्टेशनरी वेव। ये मैंने फर्स्ट ईयर एमएससी में किया था। क्यों हम इलेक्ट्रॉन को कहते हैं स्टेशनरी वेव, बिकॉज स्टेशनरी वेव क्या होती है, स्टेशनरी वेव दो पॉइंट्स के बीच में अगर कोई चीज़ बाउंडेड है एनर्जी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को तो वेव बोलते हैं, दो चीज़ों के बीच में बाउंडेड। इलेक्ट्रॉन भी तो बंधा हुआ है यार, इलेक्ट्रॉन कहाँ फ्री है, अंदर बंधा हुआ है ना, बाउंडेड है ना, वो किसी तरीके से तो बाउंडेड है, सो उसको हम कंसिडर करते हैं एज अ स्टेशनरी वेव। सो स्टेशनरी वेव कंसिडर करते हैं, समझो इसको फैला दूं तो उसकी लेंथ कितनी हो सकती है, जैसे हम पाइप, ऑर्गन पाइप की लेंथ कितनी होती है, ऑर्गन पाइप की लेंथ होती है एल। सो इस तरीके से ये पाइप हम जो सर्कुलर कंसिडर करते हैं, इसकी लेंथ 2πr और इक्वल्स टू दी एन लैम्डा। जैसे स्ट्रिंग में कैसे करते हैं हम, समझ रहे हो, स्ट्रिंग में कैसे करते हो, अगर स्ट्रिंग ऐसे है तो क्या बोलते हो, लैम्डा बाय टू, यहाँ हो जाएगा 2λ/2, 3λ/2, सो दिस इज एन लैम्डा। ओके, एंड लैम्डा इज इक्वल्स टू एच बाय पी, ये तो फेमस इक्वेशन है जहाँ से क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट हुई थी, एंड यही वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे लैम्डा की, एंड अगर इसको और इसको मैं कंपेयर करूँ तो मुझे एक और फॉर्मूला यहाँ पर मिल जाती है, दिस इज पी इज इक्वल्स टू एच एन अपॉन 2πr। सो क्या क्या याद रखना है आपको, ये याद रखना है दिस वन एंड डायरेक्टली दिस वन, बीच का कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। एंड अगर वही एंगुलर मोमेंटम में डालें, सो पी इज इक्वल्स टू एम वी हम कहते थे। ओके, सो वही पी के जगह हम यही पुट कर दें तो आपको यहाँ से एंगुलर मोमेंटम की फॉर्मूला मिल जाएगी, विच इज प्रूफ ऑफ जो हमें पीछे पीछे बोर ने पॉस्टुलेट में कहा था, सेकंड पॉस्टुलेट में, कि एंगुलर मोमेंटम का मल्टीपल होगा एन एच अपॉन 2πr। सो अगर आपको प्रूफ आता है एग्जाम में कि कैसे है, तो ये आपको करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, डी ब्रोगली के एक्सप्लेनेशन से बढ़ते हैं आगे, फिर थोड़े से बेसिक्स आ जाते हैं चैप्टर में, कि न्यूक्लियस के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिनको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नियरली इक्वल होता है, बट न्यूट्रॉन का मास ज़्यादा होता है, और चार्ज तो दोनों की सेम होती है। फिर आ जाता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर, जो कि होता है जेड,
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम होता है यूजुअली एटॉमिक नंबर के। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं हम एन, और जो न्यूक्लियॉन्स है, न्यूक्लियॉन्स क्या हो गए, न्यूक्लियॉन्स हो गए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस हमारा न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर, सो यस वो हो जाता है हमारा ए। सो ए इज इक्वल्स टू दी है हमारा जेड प्लस एन, जबकि नीचे है जेड। तो याद ऐसे भी कर सकते हो, पहले बताया था नीचे हाइट कम ऊपर हाइट ज्यादा। ओके, आइसोटोप्स मतलब सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन सेम मतलब नीचे वाले सब सेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हाइड्रोजन बेस्ट एग्जांपल हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम कुछ ऐसा है, कुछ स्पेलिंग्स हैं परफेक्ट। आइसोबार्स की बात करें तो सेम मास नंबर, सेम मास नंबर मतलब ऊपर का, मास नंबर मतलब क्या होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ओके, सो मास नंबर सेम मतलब ऊपर वाले टर्म्स सेम, अगेन हाइड्रोजन में ही एग्जाम्पल है, सॉरी हाइड्रोजन एंड हीलियम स्पेशल केसेस में। आइसोटोन्स मतलब सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो वो मुझे कैसे मिलेगा, तो वो इन दोनों को माइनस करूंगा तो मिलेगा 3-1 2, 4-2 2। अगर नहीं समझा तो आप वापस से इसको ऐसे लिख सकते हो एक्सपांड करके कि ऊपर वाला किसके बराबर है, जेड प्लस एन के, तो जेड प्लस एन माइनस जेड करोगे तभी तो एन मिलेगा ना, तो वही तो मैंने बोला अभी अभी। ठीक है, सो दिस इज ऑफ आइसोटोन। एग्जाम्पल्स में तो हाइड्रोजन हीलियम में ही सब हो जा रहा है, ध्यान से देखो, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड याद करने की भी जरूरत नहीं है। बात करें हम रेडियस की, तो रेडियस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर रेडियस जो ऑर्बिट का है वो गिवन होता है r0 टाइम्स a रेज़ टू 1/3, जहाँ पर a है हमारा एटॉमिक नंबर, r0 इज अ कॉन्स्टेंट जिसकी पर्टिकुलर वैल्यू है। ओके, नथिंग मच टू, बाकी थियरी पार्ट है इसका। उसके बाद डेंसिटी इज इक्वल्स टू दी मास अपॉन वॉल्यूम, इसको यहाँ बेच दो, मास मास के साथ मल्टीप्लाई करो एटॉमिक नंबर, जो भी हम पर्टिकुलर एटॉमिक एटम ले रहे हैं। ओके, एंड अगर आप ध्यान से देखेंगे डेंसिटी को तो किसी भी एटॉमिक नंबर पे वो डिपेंड नहीं कर रही है, बिकॉज आर की खुद की वैल्यू है r0 टाइम्स a बाय 3, एंड सब चीज़ें यहाँ पर a और a हो जाएगा कैंसिल। ओके, सिर्फ हमारे पास r बचेगा, री सब्स्टिट्यूशन करेंगे क्योंकि यहाँ पर r का क्यूब है, तो क्यूब और यहाँ पर 1/3 कैंसिल हो जाएगा। सो इससे प्रूफ होता है कि डेंसिटी डिपेंड नहीं करती है हमारे a के ऊपर। ओके, सो इस वजह से डेंसिटी सेम रहती है। बात करें न्यूक्लियर फोर्स की, तो वन ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेस है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, बट रेंज में देखें तो सबसे कम रेंज है। स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों है, क्योंकि हम कहते हैं कि प्लस और प्लस रिपेल करते हैं, प्लस और प्लस साथ में नहीं रह सकते हैं, बट न्यूक्लियस के अंदर तो सब साथ रहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर तो सब साथ रहते हैं। और बात करें रेंज कम क्यों है, बिकॉज वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही ऐसा पाया जाता है, तो रेंज भी इसकी 10^-15 मीटर है। ओके, 10^-15 से रेंज बढ़ा दी तो कूलम फोर्स बढ़ जाता है। ओके, बात करें बाइंडिंग एनर्जी, तो बाइंडिंग एनर्जी का मतलब वही न्यूक्लियॉन्स को फ्री करने में जो एनर्जी लगे, क्योंकि वो दोनों बाउंडेड हैं, बाउंडेड को फ्री करने में जो एनर्जी लगे वही है हमारी बाइंडिंग एनर्जी। और अगर हम ध्यान से देखें, बहुत गंदी स्पेलिंग है न्यूक्लियस की, ये नहीं ध्यान से देखना है, हमें देखना है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मास है, जैसे कि मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स करूंगा तो एसेंशियली मास ऑफ न्यूक्लियस सेम आना चाहिए ना, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर तो वही है ना, बट ऐसा नहीं होता है, इनका मास होता है ज़्यादा, बिकॉज न्यूक्लियर लेवल पे हमारा E इज इक्वल्स टू दी mc² पिक्चर में आ जाता है, यानी कि थोड़ा सा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें उसको संभालनी है वहाँ पर। ठीक है, अंदर उसको फोर्सेस एग्जर्ट हो रहे हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें, ये सब अब तक रिसर्च चल रहा है बाय द वे। ओके, सो थोड़ा सा मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है टू स्टेबलाइज द न्यूक्लियस। बढ़ते हैं और आगे, वही मास क्या होना चाहिए, तो मास, टोटल मास क्या होना चाहिए, टोटल मास होना चाहिए जितने प्रोटॉन्स हैं टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, जितने न्यूट्रॉन्स हैं टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन, इतना होना चाहिए ना टोटल मास, बट इतना नहीं होता है, ये उल्टा ज़्यादा होता है। तो फिर किससे माइनस करें, तो माइनस करेंगे जितना हो है, जितना अभी है करंटली, तो समझो इन दोनों का मास है 105, तो न्यूक्लियस का भी उतना ही होना चाहिए ना हमारे, बट न्यूक्लियस का थोड़ा सा कम होता है उल्टा, अभी अभी पीछे बताया, तो माइनस करेंगे 103 है समझो, तो कितना फर्क आया दो का, तो उसको ही हम कहते हैं मास डिफेक्ट, कि उतना गलत है। ओके, एंड फाइनली सबको c² से मल्टीप्लाई करो आइंस्टाइन की इक्वेशन के हिसाब से, तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, z टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, कोई ज़रूरत नहीं है सच बताऊँ ये कुछ भी करने की, पता नहीं क्यों किया है, कुछ होगा मुझे तो नहीं समझा ठीक कुछ होगा, तो यहाँ पर हम प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का कर दूंगा तो मुझे हाइड्रोजन एटम मिल जाएगा, और यहाँ से जो भी होगा तो करस्पॉन्डिंग जो भी मेरा एटम है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया ये किसका मास है, ये मास ऑफ एटम जो भी मैंने पिक्चर में कंसीडर किया है। ओके, बढ़ते हैं आगे,
उसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, जो हमें बताता है कि एटम्स कितने ज़्यादा स्टेबल हैं। तो इसका एक ग्राफ भी होता है, ऐसे ऐसे करके बढ़ता है, फिर इधर आयरन पे पीक आती है, फिर डिक्रीज होता है। तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी वापस डिक्लाइन करती है तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल होने के कारण वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ओके, एंड स्टेबिलिटी हमको पता चलती है कि कितना ज़्यादा स्टेबल है, बस नथिंग एल्स, बाकी तो सब वो है, नंबर्स हैं जो आपको पर्टिकुलर याद करने हैं। आयरन की सबसे ज़्यादा वैल्यू है। डीकेस में बात करें, अल्फा डीके मतलब पार्टिकल अनस्टेबल हो गया तो उसने अल्फा पार्टिकल रिलीज किया। बीटा डीके मतलब पार्टिकल अनस्टेबल हो गया तो उसने एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। गामा डीके मतलब पार्टिकल अनस्टेबल हो गया तो उसने एनर्जी रिलीज की। ओके, तो डीकेस का कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ी साइंस है जो कि यहाँ पर नहीं समझाई जा सकती है। इसके लिए आपको क्यू वैल्यू का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके लिए आपको न्यूट्रिनोस, एंटी न्यूट्रिनोस आए कहाँ से, वो सब पता होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली ये सब चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं। मैंने खुद ये TYBSC में किया था एंड फिर सेकेंड ईयर ऑफ MSc में किया था। ओके, ये जो भी अब आप पढ़ रहे हैं, इतना आप डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, बट एक बात होती है। ओके, तो वन शॉट में तो एटलीस्ट नहीं बताऊंगा, जस्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सो अल्फा डीके में क्या होता है, अल्फा डीके में यहाँ पर हमारा ये अल्फा पार्टिकल रिलीज हो जाता है। ओके, सो ये अगर रिलीज हो गया तो यहाँ पर जो भी नंबर था वो -4 हो जाएगा, क्योंकि ये खुद 4 है, और ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। यहाँ से अल्फा पार्टिकल कब होता है, जब हमारा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन या फिर मास नंबर 2, 1, 10 से बड़ा हो। बीटा डीके में यहाँ पर आपको याद करना है कि जब भी न्यूट्रॉन स्प्लिट हो तो एंटी न्यूट्रिनो यहाँ पर हमारा बाय प्रोडक्ट में आएगा। ये सब क्यों आता है बताऊँ, जब स्पिन प्रोडक्ट हमारा बैलेंस नहीं होता है। ओके, स्पिन क्वांटम नंबर हमारा बैलेंस नहीं हो रहा था जब हमने क्वांटम फिजिक्स के नज़रिए से ये चीज़ों को देखा, तो फिर हमें सोचना पड़ा कि कोई ऐसा पार्टिकल रिलीज हो रहा है जिसका स्पिन समझो +1/2 है, तो वो पार्टिकल अभी नज़र नहीं आया, अभी तक मास नहीं है उसको, देखा भी नहीं है। तो फिर हम बोलते हैं चलो एंटी न्यूट्रिनो नाम है, इट इज़ मासलेस, बट हाँ स्पिन में कॉन्ट्रीब्यूट करता है। ओके, तो ये चीज़ें बहुत डिटेल हैं। सो बेसिकली क्या है, एक न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन खुद को स्प्लिट कर देता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन, बिकॉज प्रोटॉन इज प्लस इलेक्ट्रॉन इज माइनस, तो ये वापस से कन्वर्ट हो जाता है एंटी न्यूट्रिनो में। ओके, ओह सॉरी, ये स्प्लिट हो जाता है एंड ये रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है, उसके क्वांटम रीजंस हैं, दैट्स इट, नथिंग मच। ओके, तो बेसिकली न्यूट्रॉन था, अब डॉट, ये पेरेंट न्यूक्लियस है और डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन यहाँ से बढ़ गया, क्योंकि रिएक्शन में प्रोटॉन है और इस साइड प्रोटॉन नहीं है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन हमें मिला। ठीक है, बीटा डी के दूसरा भी होता है, जब प्रोटॉन स्प्लिट होता है न्यूट्रल में, नेगेटिव चार्ज में और न्यूट्रल में, तो तब न्यूट्रिनो रिलीज होता है। प्रॉपर रट्टा मारना है, प्रॉपर, इधर -1/2 स्पिन रिलेटेड है, बट अभी वो सब वही बोल रहा हूँ, वन शॉट में तो एटलीस्ट नहीं बता सकता हूँ, मैं नहीं बता सकता हूँ, दूसरों में होगा पावर, मैं इतना डिटेल नहीं जा सकता हूँ। सो फाइनली यहाँ पर अगर हम देखें तो प्रोटॉन कम हो गया है, यहाँ पर प्रोटॉन था लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पर प्रोटॉन नहीं है, तो ये हो गया Z-1। तो कोई बोल रहा होगा सर ऊपर कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, अरे ऊपर चेंजेस इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि टोटल नंबर कॉन्स्टेंट है। ओके, टोटल नंबर कांस्टेंट है, कैसे, ए क्या है मेरा, ए है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन कम हो गया बट इधर राइट हैंड साइड न्यूट्रॉन आ गया ना, तो प्लस माइनस कैंसल, सेम लॉजिक पीछे, प्रोटॉन आया यहाँ पर, ठीक है, बट न्यूट्रॉन कम हो गया तो वही ए तो वही रहेगा। ओके, बिकॉज ए दोनों के बराबर है। गामा डीके में क्या है, आपने बचपन से सुना था कि इलेक्ट्रॉन में एनर्जी लेवल्स होते हैं, वो ऊपर नीचे कूदते हैं तो एनर्जी लेते हैं, या ऊपर से नीचे आते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं। सेम लॉजिक अप्लाई करो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स के एनर्जी लेवल्स, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स में खेल होता था ये बच्चों का खेल था, छोटे मोटे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बट यहाँ पर किलो वोल्ट और मेगा वोल्ट में खेल होता है। तो यहाँ पर ये लोग फोटोन रिलीज करते थे और यहाँ पर ये लोग सिर्फ गामा एनर्जी रिलीज करते हैं, यानी कि मासलेस एनर्जी। फाइनली यहाँ पर आता है लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, 100% हम नहीं बता सकते कि पार्टिकल कब डीके हो रहा है कब नहीं, एंड N0 को समझ, यहाँ पर बहुत कुछ बुक में दिया है, ये ऐसा है वो ऐसा है, सिंपली आपको दो चीज़ें याद रखनी है, DN का मतलब है नंबर ऑफ डीकेस इन टाइम, DT कितने डीके हुए, NT मतलब जितने पेरेंट न्यूक्लियाई बच्चे हैं, तो दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्योंकि अगर समझो ज़्यादा न्यूक्लियाई बच्चे हैं तो डीके ज़्यादा होंगे, न्यूक्लियर कम बच्चे हैं तो डीके कम होंगे, न्यूक्लियर बच्चे ही नहीं है तो डीके नहीं होगा। सो ये दोनों एक दूसरे से डायरेक्टली प्रपोर्शन है, अगर ये दोनों प्रपोर्शन है तो प्रपोर्शन माइनस में आएगा, क्योंकि वो कम होते जा रहे हैं ना, न्यूक्लियर कम होते जा रहे हैं टाइम बाय टाइम,
सो लैम्डा एक कॉन्स्टेंट आ जाता है, डीके कॉन्स्टेंट, एंड फाइनली अगर हम डीएन और एनटी को एक साइड लेकर आएं और लैम्डा को वहीं रखें, लैम्डा कॉन्स्टेंट है, सो यहाँ पर अगर हम लॉन भी लगाएं और लिमिट्स भी लगाएं तो हमें ये टर्म यहाँ पर मिल जाता है। बेसिकली यहाँ पर मिलेगा आपको लॉन ऑफ एनटी माइनस लॉन ऑफ एन जीरो, माइनस में है तो लॉन का नीचे आ जाएगा वो, यहाँ मिलेगा माइनस लैम्डा टी। एंड अगर आपको पता होगा एंटी लॉग क्या होता है, आपको पता है एंटी लॉग का बेसिक मतलब है ई रेस टू कर दो एंटी लॉग निकल गया। जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करेंगे तो उसमें एंटी लॉग का ऑप्शन मोस्टली नहीं रहता है, या रहता है तो फिर वो वही रहता है ई रेस टू समथिंग। तो एंटी लॉग का मतलब ही होता है ई रेस टू समथिंग लेना। तो अगर यहाँ पर मैं लॉग एंटी लॉग लगा दूं तो यहाँ पर तो लॉग गायब हो जाएगा, एंटी लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा, बट दूसरे साइड क्या आ जाएगा, दूसरे साइड आ जाएगा मेरा ई रेस टू में पावर, बिकॉज दैट इज व्हाट एंटी लॉग इज। ओके, सो ये यहाँ पर मिलेगा, एंड इसी को बोलते हैं डीके लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। बढ़ते हैं आगे, फिर एक नया कॉन्सेप्ट, नंबर ऑफ डीकेज पर यूनिट टाइम, यानी कि डेरिवेटिव। सो पीछे से ही एक्सप्रेशन लेंगे, dn बाय dt इक्वल टू लैम्डा dt, बट अगर मैं ध्यान से देखूं nt क्या है मेरा, nt मेरा खुद n0 e रेस टू माइनस लैम्डा t है, और अगर मैं टाइम जीरो कर दूं, टाइम जीरो करूंगा तो ये ऊपर जीरो हो जाएगा, e रेस टू जीरो हो जाएगा, e रेस टू सब जीरो हो जाएगा, बराबर, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो, e रेस टू जीरो होता है 1, तो बेसिकली यहां मिलेगा लैम्डा n0, इसको ही यहीं पुट कर दो वापस से, तो हमें क्या मिल जाएगा इसके जगह पे, ये मुझे मिल जाएगी एक और इक्वेशन जो इस टर्म से रिलेटेड है। आगे बढ़े, सो यूनिट्स, यूनिट्स ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सुना ही नहीं रहता है बैक्यूरल, जिसने थोड़ा थोड़ा टेक्स्ट बुक पढ़ा है वो उस टाइम पे जाके सुनता है। सो यूनिट्स रेडियो एक्टिविटी के दो हैं, बैक्यूरल और क्यूरी। 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इनटू 10 रेस टू 10 बैक्यूरल, एंड 1 बैक्यूरल इज इक्वल टू 1 डीके पर सेकंड, 1 डीके पर सेकंड, ये लॉजिक है। ओके, डिनोट करते हैं सिंबल बी कैपिटल स्मॉल क्यू से। बात करें हाफ लाइफ की, तो पीछे जहां जहां एन ऑफ टी था वहां सब्सटीट्यूट कर दो उसी का आधा, आधा मतलब किसका आधा, इनिशियल वैल्यू का, तो एन जीरो का 2, सो ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा कट, यहां बचेगा हाफ, तो ये इस तरफ हाफ है, यहां पर ई रेस टू है, तो मैं इसको पहले एक्स माइनस में है तो इसको सबका रिवर्सल ले लेता हूँ, इन्वर्स ले लेता हूँ, तो इन्वर्स लूंगा तो यहाँ हो जाएगा 2। अब अप्लाई कर दो आप सिंपली इधर लॉग, बिकॉज तभी कुछ काम बनेगा, एंड जैसे ही आप लॉग अप्लाई करोगे ई गायब हो जाएगा, बिकॉज ये एंटी लॉग है, ई एंटी लॉग होता है, तो लॉग आ जाएगा यहाँ पर, इधर गायब हो जाएगा एंड यहाँ पर लॉग आ जाएगा, सो लॉन ऑफ 2 होता है 0.693, एंड दैट्स इट, रीअरेंजिंग करो ये फॉर्मूला आ जाएगी यहाँ पर, एंड उसके बाद एवरेज वैल्यू होती है 1/2 life, वो भी आप सिंपल 1-step डेरिवेशन है, एंड दैट्स इट, यहाँ पर चैप्टर की इंटेंसिटी खत्म है। फिशन और फ्यूशन बहुत थ्योरी में देखो 2-3 पेज ले लिए हैं उन्होंने, आप कोई भी 10 पॉइंट्स याद करो, देख लो एक बार 10 पॉइंट जैसे बचपन में करते थे, बस वही लिखो और एक एग्जांपल लिखो, वो 2-3 पेजेस की जरूरत नहीं है। फिशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को फिस कर देना, फिजन फ्यूजन भी कन्फ्यूज, फिस कर देना मतलब ऐसे याद करो, फिस कर दिया, दबा दिया, दबा दिया तो चीजें फैल जाती हैं, तो अगर एक हैवी न्यूक्लियस फैल गया एक लाइटर न्यू दो न्यू लाइटर न्यूक्लियाई में तो एनर्जी रिलीज होती है, एंड इसी तरीके से फ्यूजन उसका ऑपोजिट है। दैट्स इट, वीडियो बहुत लंबी हो गई बट क्या करें, चैप्टर भी लंबा था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको एफर्ट्स एंड इनिशिएटिव अच्छा लगा होगा, शेयर करने में शर्माएं नहीं, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स, जल्दी मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। ये 1 शॉट की पूरी सीरीज है, डिस्क्रिप्शन में दूसरे चैप्टर्स की भी लिंक मिल जाएगी।